अरे ये दोनों तो साथ पढ़ते थे ना। हाँ, साथ भी पढ़ते थे और दूर के रिश्तेदार भी थे। बड़े अच्छे लोग हैं। हमजाइकी का हक तो अदा करना पड़ेगा। तुम भी चलना हमारे साथ। तो कपड़े कहाँ से आएंगे? कौन देता है तुम्हें कपड़े? ये किसने दिए थे? मैं दूंगी लाके, और कौन देगा? जूते भी दे दूंगी, और कुछ चाहिए? किसकी शादी का कार्ड है? ये बख्तियार साहब है ना, दो घर छोड़ के लेफ्ट पे रहते हैं, उनके बेटे की शादी है। बड़े अच्छे लोग हैं। अरे बाजी ये क्या कर रही हैं आप? अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं? अपने काम से काम रखो, समझी? मेरा नाश्ता बनाया तुमने? जी। रहा करो, क्या जरूरत थी उनके आगे बोलने की? तुम्हें पता है उन्हें गुस्सा चढ़ जाता है। नाश्ता ठीक से बना दिया था ना? ये नाश्ता बनाया तुमने? तुम्हें कोई काम वाम भी करना आता है? सिर्फ बातें बनानी आती हैं? आधी चीजें कच्ची आधी जली हुई ये खाऊंगी अब मैं? ये औकात है मेरी? और ऊपर से तुम लोग मिलकर यहाँ पर मुझे जला रहे हो, लोगों की शादी के कार्ड दिखा दिखा कर। बेटे तुम्हें जलाने के लिए तो नहीं दिखाया था, तुमने पूछा था इसलिए बता दिया। तो यहाँ पर सब कुछ पूछना ही तो पड़ता है। इतने सालों से आपसे एक बात मैं पूछ रही हूँ कि जो कुछ मेरे साथ हुआ वो क्यों हुआ? उसमें मेरी क्या गलती थी? माँ बाप से ऊपर का दर्जा दिया मैंने आपको और चाचा जान को, और आप लोगों ने क्या किया? आपका बेटा मुझे धुतकार कर चला गया सिर्फ इसलिए कि मेरे सर पर किसी का साया नहीं था। पता गवाह है एमन, मैंने कभी भी तुम्हें और अपने बच्चों में कोई फर्क नहीं किया। फर्क किया है आपने। अगर फर्क नहीं किया होता तो आपको मेरी तकलीफ का एहसास होता। आप इस तरह दूसरों की शादी के कार्ड लाकर मेरे मुंह पे नहीं मारती। नाश्ता बनाओ जाके। ऐसा कब तक चलेगा बाजी? इनकी वजह से तो घर का माहौल तबाही होकर रह गया है। ना कोई हंस सकता है, ना बोल सकता है। खुश होना तो जैसे सजा बन गई हो। एक यतीम बच्ची को शादी के अगले ही दिन जब तलाक मिल जाए तो वो कैसे रहेगी खुश, और क्या खुशी देगी किसी दूसरे को? जाओ तो नाश्ता बनाओ जाके दोबारा से उसका, और बना के ला के दिखाओ मुझे कि ठीक बना है कि नहीं। जी।